हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम लीनियर इनक्वालिटीज़ में कॉमन सॉल्यूशन का डिस्कशन करने वाले हैं। लीनियर इनक्वालिटीज़ में आपने पहले दो वीडियोस देखे होंगे मेरे, और नहीं देखे तो प्लीज़ आप मेरी दोनों वीडियोस को देख लीजिए जिसमें हमने लीनियर इनक्वालिटीज़ को सॉल्व किया है। पहले में बेसिक से लेके हमने काफ़ी वेवी कर्व और काफ़ी कुछ एडवांस लेवल तक किया है, और सेकंड वाले में हमने मॉड्यूलस पे बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, और आज हम इसको भी कॉमन सॉल्यूशन को भी बेसिक से स्टार्ट करते करते इस लेवल तक ले जाएंगे। तो आप देख सकते हो अदरवाइज ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड है देखने में, पर इसको हम बड़े ही आसानी से कर लेंगे। और मैं आपके करीब 30 मिनट लूँगा और आप मेरे साथ बने रहें और देखिए हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो लीनियर इनक्वालिटीज़ में सवाल है हमारा कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करने का। सारे केसेस में हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन सॉल्यूशन। आपको मैंने बताया भी है कि लीनियर इनक्वालिटीज़ का यूज़ कहाँ होता है, आपको डोमेन में, रेंज में और भी जगह, कैलकुलस में और दूसरी जगहों में। मैथमेटिक्स की कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जहाँ पर कॉमन सॉल्यूशन और लीनियर इनक्वालिटीज़ की बात ना हो। तो आप मेरे साथ बने रहें और देखते हैं हम कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो पहला तो मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन लेता हूं जिसमें आपको इस तरह का दिया रहता है 2x+3 ग्रेटर और इक्वल टू 9, और यहां पर कुछ इस तरह से दे दिया -x/2 + x/3 ग्रेटर और इक्वल टू 1/2 x+1। धीरे धीरे हम सॉल्व करते हैं। अगर इन दोनों का हमें कॉमन सॉल्यूशन निकालना हो तो पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2x > 6, 3 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया, और x > 3। इसमें आप एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा -3x + 2x/6 > x + 1/2। 2, 3 + 6 कैंसिल कर दिया, क्या आ गया आपके पास? ये हो गया दोस्तों -3x + 2x - x। 3 को उधर भेज दें, 3x + 3, 3 को इधर भेज दें, -x को उधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा -3। और अगर 4 से डिवाइड कर दिया आपने तो ये हो जाएगा x < -3/4। एक कहता है x < -3/4 है और दूसरा कहता है x > 3 है। x की वैल्यू 3 और 3 से ज़्यादा है और दूसरा कह रहा है कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -3/4 से कम है। तो रियल लाइन में देख ले, एक कहता है 3 और 3 के आगे पढ़िए और दूसरा कहता है कि -3/4 के पीछे जाइए। तो इनमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा इस केस में हमारा? नो सॉल्यूशन। इस केस में हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये एक क्वेश्चन देखा हमने जिसमें कॉमन सॉल्यूशन निकालना था। दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं और दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं इसलिए इसका नो सॉल्यूशन है। कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, मैंने आपको कहा है कि मैं बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहें, साथ ना छोड़ें। और कोई चीज़ अगर आपको आती है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे ऐसा लिखा है 3 < 11 - 2x > 17, इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, कॉमन वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसको फ्री करें, इसमें इसको x निकालना है तो सबसे पहले इसको फ्री करें, तो -11 ऐड कर दें। तो जब आप -11 ऐड करेंगे, ऐड करना है ना, 11 सब्ट्रैक्ट करना, तो ये हो जाएगा आपका -8, 11 से 11 कैंसिल, -2x, 11 यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 6 बचेगा। फिर आप इसको -2 से डिवाइड कर दें, अगर डिवाइड कर दिया -2 से तो ये 4 हो जाएगा, ये > x, ये > क्योंकि नेगेटिव से अगर आपने डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी के साइन रिवर्ट हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। या इसको सीधा लिखना है तो ऐसा लिख दीजिए -3 < 2, ये लेस है,
एक्स से, एक्स लेस है फोर से, आपका आंसर आ गया -3.4। अब हम थोड़े धीरे धीरे अब अगले लेवल पे आ जाते हैं जिसमें हमको इस तरह के क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। x-1 upon x-3 greater or equal to 0, x-2 upon x-4 less or equal to 0। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने इंडिविजुअली इसको किए होंगे, जो वीडियो नंबर 1 है आपने देखा होगा इंडिविजुअली हमने किए। यहाँ पर हमको दोनों को कॉमनली करना है, तो कॉमनली कैसे करेंगे, तो ये पहले लाइन बना दी मैंने, कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं, एक तो है 1 है, दूसरा है 3 है। 1 से छोटी वैल्यू ली हमने, 0, 0 यहाँ रख के, 0 -1 0 -3, -1 upon -3 प्लस, दोनों की ऑड पावर है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। हमें कौन से एरिया में इंटरेस्ट है, किस में डिस्कशन करना है आपको मालूम है, इसमें, इस प्लस वाले एरिया में और इस एरिया में। ये वाला जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इक्वल टू लगाए, तो इक्वल टू लगाए तो ब्रैकेट कैसा आएगा, क्लोज्ड आएगा, तो क्लोज्ड किस पे आएगा, केवल 1 पे आएगा, क्योंकि 1 न्यूमरेटर का पॉइंट है, 3 कहाँ का पॉइंट है, डिनोमिनेटर का, तो 3 पे कैसा आएगा, ओपन आएगा। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, x-2 और x-4, तो x की क्रिटिकल वैल्यू कितनी है, एक तो 2 है और दूसरी वैल्यू कौन सी है, दूसरी वैल्यू है 4। अब 2 से छोटी वैल्यू लो, 2 से छोटी वैल्यू ली 0, तो 0 -2 upon 0 -4, -2 upon -4 यानी -upon -plus, तो इस तरफ होगा प्लस, इस तरफ होगा माइनस, इस तरफ होगा प्लस। हमें प्लस माइनस प्लस से ही मतलब है, एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। 0 रख दो आप, 2 से इधर की वैल्यू कोई भी ले लो, 1 भी ले सकते हो आप, 1.5 ले सकते हो, और आप -3 ले सकते हो, -7 ले सकते हो, पर 0 सबसे सरल है। और फिर प्लस आ गया तो अल्टरनेट चलेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों की पावर कैसी है, ऑड है। अगर पावर इवन होती, मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, x-2² होता, तो यहाँ पे भी प्लस है, तो वहाँ पे भी क्या आता, प्लस। पहले नंबर के वीडियो में सब कुछ क्लियर किया हुआ है हमने। तो अब हमारा इंटरेस्ट किस में है, <= 0, इस एरिया में इंटरेस्ट है। 2 पे कैसा आएगा, ये लिखा है इक्वल टू, तो 2 पे आएगा क्लोज्ड, ये 2 पे क्लोज्ड। 4 पे कैसा आएगा, 4 पे ऐसा आएगा ओपन। तो हमारा जो कॉमन इंटरेस्ट, ये जो एरिया है, हमको बोला इस वाले को इस एरिया में डिस्कस करो, उसको कहाँ करो, उसको यहाँ करो और इसके आगे करो। तो जो कॉमन है, कॉमन एरिया, जो कॉमन लाइन्स है, जहाँ डबल लाइन है, इसको आप मत काउंट करो, ये तो रेफरेंस लाइन है, चाहे तो आप इसको डॉटेड लाइन बना ले, ये लाइन नहीं, ये तो रेफरेंस लाइन है जो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक फैली है। जो पहला वाला है उसका एरिया ये है और ये है, जो दूसरा वाला है उसका एरिया ये, तो कॉमन एरिया आपको दिख रहा होगा जहाँ लाइन डबल हुई है। तो कॉमन सॉल्यूशन हो गया इसका 3-4, और 3-4 दोनों में कैसा है आप देख लें, 3-4 दोनों में ओपन है। तो इस तरीके से हमने इसका कॉमन सॉल्यूशन निकाल दिया, बेहद आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़े कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। और अब फोर्थ देखें आप, आपको और क्लियर होगा। x-1 x-2, इसमें ग्रेटर देन 1 ले लो, और इसमें ले लेते x upon x-3 <= 1/2। मैंने आपको बताया हुआ है ऐसे केसेस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करें, नंबर हो तो ठीक है, ऐसे केसेस में नहीं करना। तो फिर क्या करेंगे हम, फिर ऐसा करेंगे, x-1 x-2 -1 > 0, इसमें x upon x-3 एलसीएम ले लें, इधर 2x-x-3
सिंप्लीफाई करना जरूरी है, ये 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, इधर देखिए 2x माइनस x, x प्लस 3 अब सॉल्व करते हैं। अब अगर सॉल्व कर लिया फिर इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे और एडवांस लेवल पे जाएंगे, मास्टरपीस आप बन जाएंगे, आप बहुत होशियार हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई खास मैथमेटिक्स नहीं है, ना आपको हेलीकॉप्टर का इंजन बनाना है इसमें, अब बहुत सिंपल काम है। देखिए आप, मैं कर लेता हूँ आप भी कर लेंगे, ये है आपका माइनस इन्फिनिटी, ये है इन्फिनिटी, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 2, न्यूमरेटर को 0 के बराबर रखेंगे कोई फायदा नहीं होगा, 1 कैनॉट बी इक्वल टू 0, तो नीचे वाले को रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 2, 2 आप कहीं पे भी ले लें, अभी तो पूरा मैदान खाली है, 2 ले लिया आपने, 2 से छोटी वैल्यू 0, 0 लें, 1 अपॉन 0 माइनस 2, 1 अपॉन माइनस 2, 1 अपॉन माइनस 2 इज व्हाट, नेगेटिव, तो इस साइड में नेगेटिव और इस साइड में नेचुरली पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसकी पावर ऑड है, इसकी पावर अगर इवन होती तो इधर भी माइनस होता तो फिर उधर भी माइनस हो जाता, अगर इधर प्लस है तो उधर भी प्लस हो जाता, ठीक है। चलिए अब ये आ गया अपने पास, हमको कौन से एरिया में डिस्कशन करना है, पॉजिटिव साइड में, हमको इस एरिया में डिस्कशन, पॉजिटिव साइड में, इंटरवल कैसा, ओपन, क्योंकि पॉइंट कहाँ का है, डिनोमिनेटर का, नहीं भी है तो भी, यहाँ ग्रेटर देन जीरो लिखा, सोचने की बात ही नहीं, उस वाले को देखें उसके पॉइंट्स क्या हैं, 2 को चाहे तो उधर भेज दें, कोई इशू नहीं, इसका ऊपर का पॉइंट है -3, नीचे का पॉइंट है +3, -3 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा -3, यहाँ पर आएगा +3, -3 से छोटी वैल्यू -4, -4 +3 -1, -4 -3 -7, -1 अपॉन -7 प्लस, फिर आप पावर दोनों की ऑड है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, अगर पावर इवन होती तो सोचना पड़ता ही पड़ता, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, उसमें कौन से एरिया में डिस्कशन बोला हमको, नेगेटिव वाले एरिया में डिस्कशन को बोला, लेस देन और इक्वल टू जीरो, इक्वल टू है, डिनोमिनेटर का पॉइंट इंक्लूड करना तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर आएगा, न्यूमरेटर का पॉइंट इंक्लूड करना न्यूमरेटर में क्लोज्ड आएगा, डिनोमिनेटर का पॉइंट एक्सक्लूड करना x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 में कैसा आएगा, x इज इक्वल टू 3 में ओपन आएगा, x इज इक्वल टू 3 में ओपन आ गया, ओपन आ गया, ये लाइन बना दी, ये वाला एरिया जहां डिस्कशन करना है, कहां से कहां तक लाइन डबल हो रही है, ये लाइन डबल हो रही है इस एरिया से लेके इस एरिया तक, कहां से कहां तक, 3 से लेके सॉरी 2 से लेके कहां तक, यहां पे 2 है x और यहां 3 है, 2 से लेके 3 तक, 2 पे भी ओपन है 3 पे भी ओपन है, तो ये आपका कॉमन सॉल्यूशन है, ये आपका कॉमन सॉल्यूशन है। अब अगर आपको कुछ मॉड्यूलस के क्वेश्चंस है तो मॉड्यूलस के क्वेश्चंस मैंने वीडियो नंबर 2 में डाले हैं, आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, आप उन वीडियोस को जब देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं, थोड़े से लॉजिकल, दिखने में बड़े होते हैं पर बहुत सरल होते हैं, x माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, ये दोनों स्क्वायर्स हैं, बोथ आर स्क्वायर्स, दोनों स्क्वायर्स हैं, तो दोनों जब स्क्वायर्स हैं तो इसका मतलब है कि दोनों की दोनों लेस देन 0 नहीं हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, फिर दोनों 0 हो सकते हैं, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, इसका एक काम करते हैं साथ साथ में फैक्टर बना देते हैं, इसके फैक्टर बन गए स्प्लिटिंग मिडिल से, तो दोनों 0 हो सकते हैं, फिर आपको मालूम है कि अगर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 0 देन a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू b, क्योंकि इसमें इमेजिनरी का डिस्कशन नहीं है, तो या ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, इससे x की वैल्यू 1 आएगी, इससे x की वैल्यू 1 और 2 आएगी, तो जो कॉमन सॉल्यूशन है वो क्या होगा,
कॉमन सोल्यूशन होगा एक्स इज इक्वल टू वन, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा इसमें कोई वैल्यू ऐसी होगी नहीं जो कॉमन होगी। अब इसी क्वेश्चन को ऐसा भी लिख सकते थे हम, इसमें किसी में मॉड लगा देते, मान लीजिए इसमें मैंने मॉड लगा दिया, इस वाले पोर्शन में मैंने मॉड लगा दिया, तो भी आपका एक्सप्लेनेशन वही होगा जैसा मैंने लिखा है, क्योंकि मॉड में भी यही खास बात है, ये नेगेटिव नहीं होगा, ये भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये मॉड है, इसलिए जब ये नेगेटिव नहीं होगा, ये भी नेगेटिव नहीं होगा, तो फिर इसका मतलब सेम कंस्ट्रेंट काम करेगा, सेम कंडीशन सेम कंस्ट्रेंट, और एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी। अब अगर दोनों में मॉड लगाओ किसी में, मान लीजिए इसमें भी मॉड लगाए और इसमें भी मॉड लगाए और लेस देन आर इक्वल टू जीरो है, तो दोनों की दोनों क्या होना चाहिए, जीरो, एक्स माइनस वन भी जीरो होना चाहिए और एक्स माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई वन, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई टू, दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या होगा इस केस में, क्या हो जाएगा, नो नो सॉल्यूशन। इस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस वाले केस में पिछले के जैसा ही होगा। अब एक और केस आपसे डिस्कस करते हैं, जो ये लिखा हुआ है अब इसको डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख के भी समझ रहे होंगे कि कितना टॉप ग्रेड प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि ये प्रॉब्लम नंबर हमारा 8 है, तो प्रॉब्लम नंबर 8 है तो ये बहुत सिंपल है, इसको कैसे लिख सकते हैं देखिए, प्रॉब्लम नंबर 8, इसको हमने मान लिया कि इसको ए है, इसको मान ले हम बी है, अंदर वाले को ये हो जाएगा मॉड ए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, प्लस इसको क्या मान ले हम, मॉड बी मान ले, इसको क्या मान लेंगे वन, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं आप समझ लो, इसको लिख सकते हो आप एक्स माइनस वन थ्री प्लस टू एक्स माइनस एट एक्स स्क्वायर, यहां से ले लेते हैं, आपको दिखना बंद हो जाएगा वरना, तो ये यहां से ले लिया मैंने, वन प्लस एक्स माइनस वन थ्री प्लस टू एक्स माइनस एट एक्स स्क्वायर इंटू भी मैं इसी में लिख देता हूं, ये यहां से ये हो जाएगा इंटू में आपका वन माइनस एक्स। मॉड में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस इतनी सी बात समझाना है मुझे, ये मॉड में है, ये x माइनस वन है, वो वन माइनस एक्स है, उससे कोई परेशानी नहीं है। तो ये फिर क्या हो गया आपका, ये तो मॉड है, इसको हमने ये माना अंदर वाले को, इसको क्या माना हमने बी माना, ये हो जाएगा वन प्लस इतना पोर्शन x माइनस वन अपॉन थ्री प्लस टू एक्स माइनस एट एक्स स्क्वायर, ये इसके जैसा है, तो ये हो जाएगा आपका मॉड ए और वो वन हो जाएगा मॉड बी। क्लियर है क्या मेरी बात आपको, होपफुली क्लियर है, ऐसा मान लेते हैं। आपको ऑब्जेक्शन हो तो आप मुझे लिख के बताइए, मेल करिए, आई विल हैप्पी टू आंसर। अब इसको शिफ्ट करते हैं, सबसे पहले मैं मॉड ए ले लेता हूँ, आपका समय भी बचेगा, फिर इसके बाद मैं इसको ले लेता हूँ, और ये जो प्लस का वन है ये ले लिया, इक्वल टू कितना है जीरो, इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं मॉड ए कॉमन, अंदर क्या आएगा आपका मॉड बी माइनस वन, माइनस यहाँ कितना कॉमन आ गया मॉड बी कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका मॉड बी माइनस वन। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, दोनों में से कॉमन आ रहा है मॉड ऑफ बी माइनस वन, तो अंदर क्या बचेगा आपका मॉड ऑफ ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो मॉड ऑफ बी माइनस वन है तो मॉड ऑफ बी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, या फिर मॉड ऑफ, देखने में ही बड़ा था आपने देख लिया, मॉड ऑफ बी कितना होगा वन, यहां पर मॉड ऑफ ए कितना होगा वन, तो इससे क्या पता चला कि b क्या होना चाहिए, b होना चाहिए प्लस माइनस वन, इससे क्या पता चला आपको कि a क्या होना चाहिए आपका प्लस माइनस वन, क्योंकि मॉड जब खुलता है तो प्लस माइनस लगता है, क्यों प्लस माइनस लगता है, मॉड की खास बात है मैं आपको बता देता हूं,
देखो मॉड की डेफिनेशन क्या है वो मैंने सेकेंड वीडियो में दी हुई है। मॉड एक्स प्लस एक्स होगा कब, जब एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स होगा जब एक्स लेस देन जीरो। अब आप सोच रहे हो कि माइनस क्यों है, अरे तो आप ये भी तो नोटिस करो कि एक्स क्या है, जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटा है तो माइनस लगेगा तभी तो प्लस होगा। मान लो एक्स की वैल्यू माइनस फाइव है तो ये लेस देन जीरो है, तो मॉड एक्स कितना होगा इस केस में, अगर मैं खाली प्लस एक्स लिख दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं एक्स की जगह माइनस फाइव लिखूंगा, यहाँ पे भी कितना होगा माइनस फाइव होगा, तो एक्स मेरा जीरो से छोटा इसलिए मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस एक्स, तो यहाँ मैं एक माइनस एक्स्ट्रा लगाऊंगा, वो माइनस लगाने से ही ये प्लस होगा, है ना, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो मॉड में ऐसा होता है, क्या होता है कि मॉड एक्स क्या रहता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। क्लियर है क्या मेरी बात आपको, क्यों जब आप इसका मॉड लेंगे, इसका मॉड लेंगे तो ये मॉड भी हो जाएगा, इसका लेंगे तो दोनों हो जाएंगे आपके पास। तो मॉडे जो लिखा हुआ था आपका, अब ये हमारे पास केस आ गए मॉड बी इज इक्वल टू दिस और मॉड ए इज इक्वल टू दिस। तो मॉड बी जो था हमारे पास, तो बी क्या चीज है, बी हमारे पास था वन माइनस एक्स या एक्स माइनस वन, जो भी आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। आप लेते वन माइनस एक्स तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, एक केस। और दूसरा केस है जो हमारा दूसरा केस था ए का, क्योंकि हमारे पास दो है ना केस, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन है और एक में ए इज इक्वल टू कितना है प्लस माइनस वन है, एक्स माइनस वन थ्री प्लस टू एक्स माइनस एट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, थ्री प्लस टू एक्स माइनस एट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। अब इसमें आप फिर इसमें दो केसेस हैं, एक केस प्लस का है और एक केस माइनस का, वन माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस वन और वन माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना माइनस वन, तो ये वन उधर गया तो जीरो, एक्स उधर आ गया, ये वन उधर गया तो टू इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की दोनों वैल्यूज याद रख लो। अब आप इससे एक्स की वैल्यू जीरो और टू आ गई। अब इसमें देख लें आप, इसमें भी आपके पास दो केसेस हैं, एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है। प्लस वाले को देख लेते हैं, एक्स माइनस वन थ्री प्लस टू एक्स माइनस एट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन थ्री प्लस टू एक्स माइनस एट एक्स स्क्वायर, माइनस एट एक्स स्क्वायर इधर भेज दें, एक्स और टू एक्स भी उधर आ गया तो माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन और ये थ्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस फोर। अब इसको आपको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको अगर आपको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना पड़ेगा तो फिर आप सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी वन। अब कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक होगी तो आप माइंड मत करिए, फिर वन माइनस फोर इंटू एट इंटू माइनस फोर अपॉन कितना टू इंटू एट, तो हो जाएगा आपका वन प्लस माइनस, एक्स की वैल्यू हो जाएगी वन प्लस माइनस। और ये भी देख लें आप, फोर फोर जा कितना हो गया आपका, फोर फोर जा सिक्सटीन हो गया, और वन माइनस माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फोर फोर जा कितना हो गया सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू एट तो ये वन ट्वेंटी एट आएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ वन ट्वेंटी नाइन अपॉन में कितना लिख दिया एट टू जा सिक्सटीन, तो ये एक्स की ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल है। अब दूसरा केस है, दूसरे केस में जब ये क्या होगा नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा और आप देख रहे हैं जगह की मेरे पास कमी है, इसको आप नोट करके रख लें, कौन सा वाला एक्स इज इक्वल टू जीरो कॉमा टू। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं माइनस वाला केस लेकर के,
तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस वन और माइनस सॉरी ठीक है 3 प्लस 2x माइनस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2x प्लस 8x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, इसको सबको उधर भेज दो, 0 इज इक्वल टू माइनस 3 सॉरी 8x स्क्वायर पहले लिख दे माइनस 2x प्लस और ये माइनस x है तो ये हो जाएगा माइनस 3x और हमारे पास जो है माइनस 3 है ऑलरेडी वहाँ पर और माइनस 3 होने के बाद ये माइनस 1 जो है ये जब माइनस 1 उधर पहुँचेगा तो प्लस 1 हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास माइनस 2 बन जाएगा। तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे 8x स्क्वायर एग्जैक्टली ठीक है। तो ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 8 इंटू माइनस 2 4 इंटू 8 इंटू माइनस 2 तो ये 64 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 3 प्लस माइनस रूट 73 अपॉन 16। और ये जब देखेंगे आप कि इन सबको सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो अब आपकी इक्वेशन जो है वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इस तरीके से देखिए कि ये हमने सॉल्व किया, ये इसका सॉल्यूशन था और बहुत ही उम्दा प्रॉब्लम था जिसका हमने सॉल्यूशन निकाल के देखा। और अब आपका कोई कमेंट हो तो मुझे लिखिए और लिख भेजिए और मेरी बेस्ट विशेष हैं आपको, आपको मैंने काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की, होपफुली ये सब आपको समझ में आया है। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचा दें दूर दूर तक, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे लिख बताएं और मेरी बेस्ट विशेष हैं एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आपने सोल्यूशन देख लिए, ये सोल्यूशन, ये सोल्यूशन, ये सोल्यूशन, गुड लक।